हेलो दोस्तों, आज मैं आपको ट्रस्ट टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। मैंने ये देखा है कि है ना, बीटेक फर्स्ट ईयर में आपको ट्रस्ट टॉपिक पढ़ना ही पड़ता है, चाहे फिर आप कोई भी ब्रांच से हों, आप फिर चाहे किसी भी ब्रांच से हों, आपको ट्रस्ट टॉपिक पढ़ना ही पड़ता है। मैं आपके लिए ट्रस्ट टॉपिक लेके आया हूँ, मैं आपको बहुत सिंपली तरीके से पढ़ाऊँगा, इसके बाद मैं आपको प्रॉब्लम भी कराऊँगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिक्स ऑफ ट्रस्ट। अ ट्रस्ट इज एन असेंबली ऑफ स्ट्रेट मेंबर्स और यूनिफॉर्म बार्स। ट्रस एक यूनिफॉर्म बार से बना होता है और स्ट्रेट मेंबर्स होते हैं ये। ऑफ सर्कुलर सेक्शन, एंगल सेक्शन, कनेक्टेड एट जॉइंट्स। ये सर्कुलर सेक्शंस भी बना सकता है और एंगल सेक्शंस भी बना सकता है इस तरीके से, और वो जॉइंट से कनेक्टेड होता है रिवेटिंग और वेल्डिंग से। जी, रिवेटिंग हो सकते हैं और वेल्डिंग से हो सकते हैं ये पॉइंट्स। लोड इज अप्लाइड एट जॉइंट्स ओनली। जो भी लोड अप्लाइड होता है वो सिर्फ इसके जॉइंट्स पर ही अप्लाई होता है। वो यहाँ पर अप्लाइड होगा, यहाँ पर अप्लाइड होगा, किसी भी तरीके से वो जॉइंट्स पर ही अप्लाइड होता है लोड। ऑल द मेंबर्स आर पिन जॉइंट। सारे मेंबर्स एक दूसरे से पिन जॉइंट होते हैं। ईच पॉइंट, ईच जॉइंट ऑफ द ट्रस इज एन इक्विलिब्रियम, हेंस द होल फ्रेम और ट्रस इज ऑल्सो एन इक्विलिब्रियम। सारे जॉइंट ऑफ ट्रस इक्विलिब्रियम में होते हैं, सो पूरा फ्रेम ऑफ ट्रस बिल्कुल इक्विलिब्रियम में ही रहता है। वेट ऑफ द मेंबर ऑफ द ट्रस इज नेग्लेजिबल अंटिल अनलेस इज गिवन। जब तक गिवन नहीं हो तब तक आपको उसका वेट बिल्कुल मेंबर ऑफ द ट्रस का नेग्लेजिबल ही मानना है। देखो, अगर दो पॉइंट से, इधर से और इधर से, दो पॉइंट्स एक दूसरे की तरफ खींचेंगे तो अपन को एक्सियल टेंसाइल फोर्स लगेगा, और दो पॉइंट्स की तरफ फोर्स लगेगा, जैसे इस तरीके से ये और ये, दो पॉइंट्स की तरफ फोर्स लगेगा तो वो एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स होगा। दो पॉइंट्स से फोर्स लगेगा, दो पॉइंट्स खींचेंगे जब, तो वो एक्सियल टेंसाइल फोर्स लगेगा। देखिए, मैथमेटिकल रिलेशन ऑफ ट्रस। एम प्लस थ्री इज इक्वल टू 2J। एम मीन्स मेम्बर्स, जे मीन्स जॉइंट। जब मेम्बर्स ज़्यादा हैं जॉइंट्स, जब मेम्बर्स बराबर हैं जॉइंट्स के, सो परफेक्ट ट्रस होगा, रिजिड ट्रस होगा। तो परफेक्ट ट्रस होगा, रिजिड ट्रस होगा। एम प्लस थ्री ग्रेटर देन 2J। अगर मेम्बर्स को मैं इंक्रीज कर दूँ, जैसे मैंने यहाँ एक और मेम्बर लगा दिया, तो यहाँ पर ओवरलोड हो जाएगा, यहाँ पर ओवर रिजिड ट्रस हो जाएगा, यहाँ पर ओवर रिजिड ट्रस हो जाएगा। एम प्लस थ्री लेस देन 2J। जब अपना मेम्बर्स कम होंगे जॉइंट से, यहाँ से मैं एक मेंबर्स निकाल दूँ, यहाँ से मैंने ये वाला मेंबर निकाल दिया, तो ये क्या हो जाएगा, एकदम से ऐसे कोलैप्स होने की कोशिश करेगा, तो ये क्या कहलाता है, डेफिशिएंट ट्रस और कोलैप्सिबल ट्रस कहलाता है। देखिए दोस्तों, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सियल फोर्सेस बाय टू मेथड्स। सबसे पहला मेथड है मेथड ऑफ जॉइंट्स। सो मेथड ऑफ जॉइंट्स में होता क्या है, मेथड ऑफ जॉइंट्स में अपन ओनली दो ही कंडीशन लगाते हैं, डेल एफ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड डेल्टा डेल एफ वाई इक्वल टू 0। ओनली टू ही कंडीशंस लगेंगी। और मेथड ऑफ जॉइंट्स कब लगेगा, मेथड ऑफ जॉइंट्स जब लगता है जब हमसे क्वेश्चन में बोला होता है कि सारे मेंबर्स का ट्रसेस निकालो। सारे मेंबर्स के ट्रस वाले प्रॉब्लम में जब हमसे बोला होता है सभी मेंबर्स में से फोर्स निकालो, तब हम मेथड ऑफ जॉइंट्स लगाते हैं। और जब मेथड ऑफ सेक्शन लगाते हैं तो डेल एफ एक्स जीरो करना पड़ता है, डेल एफ वाई जीरो, डेल मोमेंट ऑफ जीरो करना पड़ता है अपन को, ठीक है। सो मोमेंट आपको पता ही है होता क्या है, मोमेंट होता है फोर्स इंटू आर परपेंडिकुलर। कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताता हूँ मैं आपको इसका। देखिए, मैं आपको दो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट बनाता हूँ, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में थोड़ा मदद करेंगे। अगर कोई भी दो मेंबर्स इस तरीके से, अगर जॉइंट हैं दो मेंबर कोई भी इस तरीके से जॉइंट हैं, मैं इसका नाम देता हूँ ए बी सी, ये भी कहीं जॉइंट होंगे आगे, मैंने इतना ही बनाया है। देखिए, इसमें एक मेंबर में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक ऐसा फोर्स लग जाए और एक ऐसा फोर्स लग जाए। ये हो गया टेंसाइल और ये हो गया कंप्रेसिव, कभी भी ऐसा फोर्स नहीं लगता है, हमेशा एक मेंबर में सेम फोर्स ही लगेगा।
जैसे दोनों एक मेंबर में सेम एक्सियल टेंसाइल फोर्स लगेगा या एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स लगेगा, इस तरीके से डिफरेंट फोर्सेस एक मेंबर में कभी नहीं लग सकते। सेकंड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जैसे ये मेंबर हैं दो, सो जो फोर्स है तो इस फोर्स को हम एफ ए भी बोलें चाहे एफ बी ए बोलें, सेम ही बात है, इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। इसको हम एफ बी ए भी बोल सकते हैं और एफ ए बी भी बोल सकते हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। दोनों में से आप किसी भी को ले सकते हैं, एफ ए बी एफ बी ए। थर्ड कॉन्सेप्ट, अगर कोई भी दो मेंबर्स नॉन कोलिनियर हैं, ये दो मेंबर्स अगर नॉन कोलिनियर हैं, सो इस वाले मेंबर में फोर्स और इस वाले मेंबर्स में फोर्स जीरो होगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अगर दो मेंबर्स अगर नॉन कोलिनियर हैं तो उन दोनों फोर्सेस मेंबर्स में जीरो होगा। फोर्थ कॉन्सेप्ट, ये है अगर ए बी सी डी, मैंने पॉइंट का नाम दे दिया, इसमें एफ ए भी लग रहा है, इसमें एफ बी सी लग रहा है, सपोज इस तरीके से मैंने एक्सियल टेंसाइल बना दिए, इसमें एफ बी डी लग रहा है। अगर दो मेंबर्स सेम लाइन में कोलिनियर हैं, अगर सेम लाइन में हैं दो मेंबर्स, तो तीसरा मेंबर होगा उसका फोर्स जीरो होगा। अगर फर्स्ट मेंबर सेकंड मेंबर थर्ड मेंबर अगर दो मेंबर कोलिनियर हैं सो दोनों में थर्ड वाले मेंबर का फोर्स जीरो होगा। अगर हम यहाँ पर फोर्थ मेंबर और लगा दें एक, तो इसमें फोर्स जीरो नहीं होगा, तो फिर इसमें फोर्स जीरो नहीं आएगा। तीन मेंबर्स हैं और दो कोलिनियर हैं तो थर्ड वाले मेंबर का फोर्स जीरो होगा। सो यही चार कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। सो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपके लिए मैं नेक्स्ट वीडियोस में ट्रसेस के प्रॉब्लम्स लाऊंगा, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा ट्रस, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ये वीडियो दोस्तों को शेयर कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रॉब्लम्स के साथ ट्रसेस के, तब तक के लिए बाय।